वैसे तो हिटलर ने भी नहीं सोचा होगा कि इस रोड के ऊपर मैं जो बना रहा हूँ वहाँ पे कभी साइकिल बाबा आएंगे और अपनी साइकिल धनों के साथ में गेड़ी मारेंगे। 1835 में पहला रेलवे ट्रैक बना था जर्मनी में और वो इस शहर में बना था। और उस टाइम ना हिटलर के दीवाने होते थे ये लोग यार, पागलों की तरह। तो भाई ये सारा रेड लाइट एरिया है, इन्होंने पुराने हिसाब से ये सारी मार्केट बनाई हुई है। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूँ। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये मेरा हॉस्टल है। हम हैं न्यूरमबर्ग, जो कि जर्मनी का एक शहर है, और न्यूरमबर्ग में मैं कल रात को पहुँच गया था। आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, और ये वाला हॉस्टल ले लिया था जो कि मुझे 40 यूरो में मिला था। और अब ये जो सिटी है ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल है। न्यूरमबर्ग के बारे में जिसने भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी की है उसको पता होगा कि यहाँ पे एक ट्रायल चला था हिटलर के राज को ख़त्म होने के बाद में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं यहाँ पे, वो सब आपको दिखाएंगे। तो वीडियो का आखिर तक बने रहना। जिस जगह में मेरा हॉस्टल था इसके पीछे है, ये चार दीवारी है। इस पूरे शहर के चारों तरफ से चार दीवारी बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ पे किले होते थे, किले है के रूप में ये जो शहर था, और बीच में ये जो जगह है यहाँ पे पुराने टाइम में जो है पानी होता था। ये इधर शहर से बाहर की जगह होती थी। ये पूरे शहर की दीवार बनी हुई है, 5 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है ये। और आजकल इन्होंने मेट्रो स्टेशन बना दिया है यहाँ पे, ये पगडंडी बना दी है और ये मेट्रो स्टेशन है, इसके अंदर से मेट्रो चलती है इनकी। ये दीवारें ऐसी बनी हुई थी, बीच में बंदूक वंदूक का भी वो रखा है। यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन के उसमें एक गेट बनाया हुआ है और इसके अंदर ही म्यूजियम है। तो अब हम थोड़ा म्यूजियम को एक्सप्लोर करके आएंगे और इसको देखेंगे। ये देखिए एक म्यूजियम है यहाँ का, पुराने हिस्ट्री से रिलेटेड म्यूजियम है। म्यूजियम की तरफ जब जाते हो तो ये बना हुआ है। आपको यहाँ पे काफ़ी लैंग्वेज में जो है इसकी डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी, अभी देखते हैं। इसको जर्मन नेशनल म्यूजियम भी बोलते हैं। इसके अंदर इनकी हिस्टोरिकल सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये कौन सी लैंग्वेज है भाई, पढ़ के बताना। ये चाइनीज में लिखा हुआ है, तो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब ये तो बता ही सकते हो कौन सी है। ये म्यूजियम है, 11 बजे खुलेगा, तो फिर चलते हैं इसके अंदर देखते हैं। कहते हैं एक्चुअली क्या है, जर्मन में थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे जर्मन नेशनल म्यूजियम है और एक जो रेलवे का म्यूजियम वो है, और एक तीसरा क्या है यार मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखिए 5 किलोमीटर में ये चार दीवारी है, इसको ट्रैम का रूट बना दिया है। ये पूरी चार दीवारी है, इसके अलग अलग गेट हैं। हम जो है सिटी के मेन साइड में अंदर इंटर करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, न्यूरमबर्ग का मतलब हो गया बर्ग, जो है BURG, बर्ग का मतलब होता है किला, या फिर वो जगह जो चार दीवारी से पुराने टाइम में घिरी हुई होती थी, तो गढ़ बोलते थे ना हमारे यहाँ पे, गढ़। बर्ग का मतलब होता है वो गढ़। तो अब हम जा रहे हैं, सामने मुझे एक बहुत बड़ी सी चर्च या फिर किला दिख रहा है, वो देख के आता हूँ मैं, और फिर न्यूरमबर्ग ट्रेल के बारे में भी बताएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा जो है आप यूँ कह सकते हो कि नॉलेज वाला भी हो सकता है। चर्च की घंटी बज रही है क्योंकि सामने बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। भाई साहब इतनी देर घंटी कौन बजाता है, आप तो बहुत देर होगी। एक्चुअली संडे है तो सब बंद पड़ा है आज यहाँ पे, तो मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। इस चर्च से अंदर निकले, प्रेयर चल रही थी तो ज़्यादा कुछ हम वीडियोस बना नहीं पाए। मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, ये देखिए। और सबसे इसकी खूबसूरती जो है पतझड़ ने भी बना रखी है। ये पतझड़ का मौसम है तो पत्ते झड़ेंगे। तो एक चीज़ मैं काफ़ी देख पा रहा हूँ यहाँ पे ना, ये ग्रांड बाज़ार है, टर्किश एयरलाइन, टर्किश वो ठीक है, इधर कोई इंडियन मिल जाएगा, पास में कोई चाइनीज़, तो पूरा मल्टीकल्चरल हो चुका है जर्मन भी। काफ़ी लोग जो है यहाँ पे बाहर से आके रहते हैं जो कि परमानेंट रेजिडेंट हो चुके हैं। ये पुरानी बिल्डिंग है, देखिए कैसे खिड़की रखी जाती थी, अभी तो हेयर सैलून बना हुआ है। और ये है इस शहर का एंट्री पॉइंट।
जो 5 किलोमीटर का पुराना सिटी सेंटर था या पुराना सिटी था, जो बर्ग था, जो आप यूँ कह सकते हो कि गढ़ था, जो किला था, उसका एंट्री पॉइंट। इसको देखते हैं नज़दीक जाके, अभी बंद है शायद ये। यहाँ पे 5 या 6 म्यूज़ियम है इस सिटी के अंदर, और हर म्यूज़ियम की 10 से 12 यूरो के आसपास की टिकट है भाई। आप म्यूज़ियम विज़िट करने के शौकीन है तो किसी भी म्यूज़ियम में जाके विज़िट कर सकते हो। एक टेस्ला खड़ी है, टेस्ला आपको यहाँ नॉर्मली टैक्सी में चलती हुई दिख जाएगी। इससे आप ऊपर जाके इस दीवार के अंदर अंदर चल भी सकते हो, पर अभी ये बंद पड़ा है यार। 10 बज गए हैं तो भी सारा कुछ बंद पड़ा है, तो अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड। तो भाई ये सारा रेड लाइट एरिया है, आपको शीशे में खड़े हुए लोग मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए सुबह का टाइम है तो भी, तो अवॉइड इट यार, जब भी ट्रैवल करने के लिए आओ। मैं हॉस्टल के पास से ही क्रॉस कर रहा था, भाई मिल गए। कैसे भाई? हाँ जी, अच्छा। आपका नाम? जी प्रणव अंबोरे। आप कहाँ से? जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, नांदेड़ के पास में। अच्छा, छोटा सा एक तहसील है। हाँ जी। तो अभी इधर जर्मनी में घूमने आए क्या? जी अभी मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ बर्लिन। ओके ओके। और मैंने थोड़ा टाइम ऑफ ले लिया कुछ। अच्छा अच्छा। हफ्ते के लिए इधर आगे घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने। अरे वाह, ब्यूटीफुल एरिया आ गया यार ये तो। छोटा सा, बहुत ही जबरदस्त एरिया, सुंदर सा ना। कैफे हैं सारे, हैं पुराना पानी का कुआ, अंदर से बंद है। अरे पैसे डाल रखे हैं। वो ताले भी लगा रखे लव लॉक। ये सब एंटीक है, पुराना एंटीक सी जगह है यार ये, प्यारी सी जगह। आज यहाँ पे फुटबॉल मैच है तो सारे लोग भरे पड़े हैं, तो ऐसे घूम के जाते हैं। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, इन्होंने पुराने हिसाब से ये सारी मार्केट बनाई हुई है, जैसे इनका कुछ 100 साल पहले होता था ऐसे। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है जर्मन के। हाँ ये भाई सब गली वाले अच्छे बंदे हैं, देखो इनका एक ही घर चमक रहा है अलग ही। और ये बिल्डिंग जो है 1901 में बननी शुरू हुई थी, 1904 में बनी हुई है, तो 125 साल पुरानी बिल्डिंग है भाई ये। अब आई थिंक ये चर्च वर्च है या फिर कोई और कुछ होगा, मुझे पढ़ना नहीं आता ना, ये जर्मन थोड़ा डिफरेंट रहता है यार। इन्होंने लिखा हुआ है सॉलिडेरिटी विद इज़राइल। सो गाइस हम आ गए हैं रेलवे म्यूज़ियम में। अब इस म्यूज़ियम में पता नहीं क्या है, इसका गेट वेट किधर है। अरे वाह, ये फ्यूचर रेल बनाने भी लग गए क्या है भाई? हाँ? ये बनाने भी लग गए फ्यूचर रेल। सो भाई रेलवे म्यूज़ियम की टिकट है 9 रुपए की, 9 यूरो की, तो निम्न 800 रुपए की टिकट है। तो 800 रुपए में तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं पे आसपास में। और ये म्यूज़ियम है भाई, दन्नों को निकाल लिया और अब हम दन्नों से आसपास का एरिया घूम के आएंगे। वाह भाई वाह दन्नो, चल मस्ती में। सिटी से 3-4 किलोमीटर बाहर आ गया मैं, और यहाँ पे एक कांग्रेस हॉल बोल सकते हो, वो देखने आया हूँ। चल चल मेरी धनो मस्त, चल धीरे धीरे चल प्यार से चल। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक वर्ष के मौसम चार। अब तो 2 इकट्ठे हो रहे हैं। ये आ गई भाई वो जगह, कांग्रेस हॉल बोलते हैं इसको। अरे ना बोल सकते हो दोस्तों, मैं आ गया हूँ कांग्रेस हॉल की तरफ से, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। 6 यूरो की टिकट, पीछे टिकट काउंटर है, वहाँ से मैंने टिकट ले ली। तो अब मैं जा रहा हूँ अंदर, देखते हैं क्या है, और आप लोगों को भी बताते हैं। न्यूरमबर्ग म्यूज़ियम, अभी हम कांग्रेस हॉल की तरफ भी जा रहे हैं, कांग्रेस हॉल बोलते हैं। और ये न्यूरमबर्ग जो है ना, नाजी पार्टी का सेंटर रहा है स्टार्टिंग में ही, हिटलर का मेन अड्डा भी हो गया था एक टाइम में। और यहाँ पे उसने काफ़ी कुछ बनाया, कांग्रेस हॉल बनाया, जहाँ पे
ये लोग रहते थे। न्यूरम्बर्ग एक चीज़ के लिए और भी फेमस है, हिटलर के मरने के बाद में ट्रायल हुआ था, जितने भी हिटलर के जो ऑफिसर्स थे और थे, हिटलर तो मर गया था सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद में, तो हर कंट्री का अपना अपना था। यूके वाले बोले कि भाई इनको जितने भी ये जो प्रिजनर्स हैं, वॉर प्रिजनर्स हैं, इनको हम जो है मार देते हैं, और ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ के बोले। बट यूएस ने कहा कि नहीं, इनको मारेंगे नहीं, इनको जो है प्रॉपर तरीके से हम जो है ट्रायल करेंगे इनका, इनको सज़ा देंगे। तो उसके नाजी के या मतलब हिटलर के जो साथ रहने वाले बहुत सारे लोग थे, उनमें से 4-5 बड़े बड़े लोग जो है ट्रायल के दौरान ही सुसाइड कर गए। एक तो ऐसा था कि जैसे उनको फांसी हो गई है, तो वो फांसी होने से पहले वाले दिन ही वो उसने सुसाइड कर लिया। तो अब हम हैं कांग्रेस भवन, ये देखिए कितना वो बड़ा इसने बनाया था, 1833 से लेके और 1845 के बीच में ये ऐसा बना हुआ था। वहाँ सामने हिटलर खड़ा होता था, वहाँ से हिटलर बोलता था, और यहाँ पे दोनों तरफ उनकी सेना खड़ी होती थी। अब ये पार्किंग हॉल है, तो सेल्फ सपोर्टेड वॉल होती थी इसकी, मतलब पूरा ढक जाता था ये, क्योंकि सर्दियाँ होती थी, बर्फ़ वगैरह गिरती थी, तो ये पूरा सेल्फ सपोर्टेड वॉल थी इसकी, मतलब छत थी। बड़ा ख़तरनाक बनाया था भाई। टोटल 1400 लोग जो परमानेंटली काम करते थे इस कंस्ट्रक्शन साइट पे। जो ऊपर गेट बंद किए हुए हैं ना, वो बाद में ईंटें लगा के तो यहाँ से स्पीच देता था। ये जो टोटल हाइट है ना इसकी, वो 70 मीटर के करीब है, तो 70 मीटर के बीच में से यहाँ से कहीं से वो आता था हिटलर बाहर और लोगों को संबोधित करता था। ये पब्लिक पूरी सारी यहाँ बैठती थी सामने, आर्मी उसकी दोनों तरफ, लोग जो भी उसका सपोर्टिव थे ना। और उस टाइम ना हिटलर के दीवाने होते थे ये लोग यार, पागलों की तरह, मतलब फॉलो करते थे, बिल्कुल मेंटल हो जाते थे हिटलर के नाम से, इतने ज़्यादा दीवाने होते थे। उसकी स्पीच इस टाइप की होती थी यार, पर नाजीज ने बहुत बुरा हाल किया भाई यहूदियों के साथ में, और मतलब जो भी मिला उन्होंने काटा भाई सेकंड वर्ल्ड वार से पहले। फिर वर्ल्ड वार में जब हारे तो ऐसे हारे कि कभी मतलब नाम लेने से भी लोग डरते हैं अब तो उनका। न्यूमबर्ग जो है वो इतना बड़ा शहर नहीं है जिस तरह मतलब इनका हैमबर्ग, बर्लिन, बाकी शहर हैं 4-5, पर हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर है यार ये यहाँ का। वैसे तो 1930 में लगभग जो है हिटलर का पीक आ गया था, पर यहाँ पे 1920 से ही लोग जो हैं उससे जुड़ चुके थे। ये जगह तो पीक वाली थी, तो उसका पूरा फ़ायदा हिटलर ने यहाँ पे उठाया था भाई। और ये बिल्डिंग जो सारी बनाई है उसने ना शो ऑफ करने के लिए, मतलब प्रोपोगंडा कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए सारी बिल्डिंगें तैयार करी उसने भाई। हिटलर को आभास तो था कि भाई अपने जनता के साथ में जुड़ना कैसा है, उसका तरीका उनको बखूबी आता था, तो उसने उस वजह से पूरा प्रोपोगंडा रचा कि भाई ऐसे ऐसे अगर हम टच करेंगे या फिर इनके लोगों की सपोर्ट लेंगे तो जो है, अगर लोगों को शो दिखाएंगे, लोगों को ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखाएंगे, तो लोग और ज़्यादा जुड़ेंगे हमारे साथ। और इसके पास में जैपलिन ग्राउंड फील्ड है, तो या फिर आप कह सकते हो ग्राउंड फील्ड ही बोलेंगे यार, तो मैं उसकी तरफ चलता हूँ अब आपको, वो दिखाता हूँ यार। हिटलर था तो बड़ा क्रूर भाई, मेंटल स्टेटस कितना हाई रहा होगा उस बंदे का ना। ये जो मेरे साइड में बिल्डिंग है सारी, बस कांग्रेस भवन की बिल्डिंग है, अभी इसका रिनोवेशन चल रहा है, पूरा खोल नहीं रखा, ऊपर नहीं जाना अलाउ कर रहे कभी। पतझड़ का मौसम है और संडे है, तो सब लोग जो है आराम से इधर उधर घूम रहे। अब ये सारे ग्रीन ग्रीन जो है ना, ये सारे रेड हो जाएंगे फिर। आज यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, ये एक स्टेडियम बना हुआ है यहाँ पे, तो स्टेडियम में आज फुटबॉल का मैच है किसी क्लब का, तो पूरी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे, सारी गाड़ियाँ, पार्किंग एरिया वगैरह सब फुल है। इसको बोलते हैं जिपलिन ग्राउंड स्टैंड। तो बिल्कुल सामने यहाँ पे जो है अपना हिटलर खड़ा होकर लेक्चर देता था, उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान होता था, बाद में यूएस की आर्मी ने उसको उड़ा दिया था। ये 2 किलोमीटर लंबा बनाने की कोशिश की थी हिटलर ने, पर ये बन नहीं पाया, आधे रास्ते तक ही बन पाया, और बाद में जो है यूएस की आर्मी ने ना इसको अपना एयर स्ट्रिप बना लिया था, और वहाँ पर ग्राउंड प्रपोज किया था, 400,000 लोग बैठ सकते हैं। यार क्या सोच रही होगी 400,000 लोगों के लिए उसने उस टाइम में ग्राउंड की सोच ली। वो एक्चुअली शो ऑफ करना चाहता था, अपना दिखाना चाहता था कि मैं हूँ जो कुछ हूँ, बस इसीलिए उसने सब कुछ किया।
पर बहुत बुरा दौर रहा वो जर्मनी के लिए और स्पेशली यूरोप के लिए भी कह सकते हैं, पर उसके बाद में जो जर्मनी या यूरोप उभरा ना, सैल्यूट करना पड़ेगा इन लोगों को कितने लेवल पे उभर के ना ये सामने आए। वैसे तो हिटलर ने भी नहीं सोचा होगा कि इस रोड के ऊपर मैं जो बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ, वहाँ पे कभी साइकिल बाबा आएंगे और अपनी साइकिल दन्नों के साथ में गेड़ी मारेंगे। लोग गेड़ी रूट कहीं और मारते हैं और हम देखो इंटरनेशनल जगहों पे गेड़ी मारते हैं। खैर ये तो मजाक की बात थी यार, इट्स रियली वेरी सैड कि उसने यहाँ पे इस जगह को चूज़ किया और यहाँ के लोगों ने उसको सपोर्ट किया उस टाइम पर। आज यहाँ पे कोई भी हिटलर का नाम सुनने को भी राजी नहीं है। टाइम आता है हर किसी का, तो वो उसका दौर था, ये किसी और का दौर है। ये वो एयर स्ट्रिप है बाद में जो USA ने बनाई थी, और ये परेड ग्राउंड है हिटलर का जिसके ऊपर हम और हमारी धन्नो चल रही है। यहाँ पे उनके ऑफिसर्स और लोग बैठते थे और यहाँ पे परेड होती थी सारे में। देखिए यहाँ पे एक जिप लाइन जो है वो लैंड किया था, तो ये 1909 में लैंड किया था भाई, और ये बाद में जो है इसको फील्ड बना दिया था 1933 से 34 में। तो ये नाजियों का परेड ग्राउंड था भाई, जिप लाइन फील्ड 1933 से लेके 1934 तक। 1935-36 में पूरे पत्थरों को काट पीट के आर्किटेक्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, अल्बर्ट पीर करके आर्किटेक्ट था, उसने इसको बनाया था। तो इसके चारों तरफ ऐसी बाउंड्री भी थी, ये पूरा फील्ड जो बनाया गया था इसके। 1835 में पहला रेलवे ट्रैक बना था जर्मनी में, और वो इस शहर में बना था। ये सब सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है भाई। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन तो किसी और शहर में है, पर सबसे पुरानी रेलवे लाइन यहीं पे है। खूबसूरत बनी हुई बिल्डिंग है यार रेलवे स्टेशन की, मज़ा आ गया देख के। पता क्या हुआ, मैं यहाँ से जब मैं उधर से देख के जा रहा था वापस, मैं यहाँ पे आया कि मेरे को चाय पीनी है, पाजी और बैठे सी, तो मैंने कहा पाजी चाय पीनी है, बोले पियो जी, मालिक को बंद कर रखा था फिर भी उन्होंने मुझे कहा, तो फिर बोले कि शाम को खाना खाने भी आएंगे, फिर वहाँ चल मैं आता हूँ। मैं जब वापस गया तो इनका मैसेज देखा मैंने फेसबुक पे, ये मेरा नंबर है आप मेरे को कॉल करना, मैंने कॉल बैक की, पर जो ही मैंने मैसेज देखा तो मैंने फेसबुक को चला के देखा, तो हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड थे, जो म्यूचुअल फ्रेंड थे वो मेरे क्लब के मेम्बर भी रहे हैं हरजिंदर चंदी। तो कहाँ से कहाँ मिलना हुआ और इतनी जानकारी होगी आपस में, क्या मज़ा आया। और अब फिर हम जो है आराम से क्या कर रहे हैं, सेवन पालक पनीर आपका मेरा तो फेवरेट है। और पाजी कितने साल हो गए थे आए? 33 साल हो गए। 33 साल कितनी एज थे आगे से? 21 साल थी। फिर उस टाइम तो आपको वो आती नहीं होगी जर्मनी आती, तो थोड़ा स्कूल ज्वाइन किया, थोड़ा अच्छा स्कूल ज्वाइन किया, फिर थोड़ा पापा सीखा, बाकी लोगों के नाल गल्लां बातां करके सीखा, फिर ही पता लगा। हुण परफेक्ट, हुण तां बस तुसीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हुण कोई प्रॉब्लम नहीं। अते बच्चे इत्थे बच्चे बड़े बॉर्न आ, बिल्कुल पंजाबी फैमिली है, बच्चे इत्थे बॉर्न आ, बड़े यूनिवर्सिटी पढ़दे आ, वधिया जिंदगी चल रही है। क्या बात है, देख लो कि कहां से तो महाराजा पैलेस न्यूरनबर्ग, क्या बोलते तुसीं, न्यूरनबर्ग, न्यूरनबर्ग, न्यूरम बोलते हैं, न्यूरन बोलते हैं, न्यूरन, न्यूरनबर्ग, क्लियर हो गया कि भाई ये चीज है। और वह भाई कैसा है? ये गुजराती भाई है अपना, दूसरे हैं भाई, जॉनी भाई हैं, वो हमारे वो पैसे माया के चक्कर में, माया चक्कर वो माया के रहे हैं। तो ये तो थी आज की थोड़ी सी जर्नी, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।